यहाँ पे फोकस सुषमा जी पे है। अब जेटली जी ने भी डिफेंड किया ललित मोदी को। मामला बहुत सिंपल है, हम जिसको आईपीएल क्रिकेट कहते हैं उसमें दो नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क जो हिंदुस्तान के युवा को दिखता है, फील्ड में क्रिकेट होती है, कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, और हिंदुस्तान का युवा देखता है, कहता है भाई मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। दूसरा छुपा नेटवर्क ललित मोदी का नेटवर्क, जो बंद कमरों में चलता है, ब्लैक मनी का नेटवर्क है, करप्शन का नेटवर्क है, और जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी पॉलिटिकल सिस्टम और ब्लैक ललित मोदी जी पॉलिटिकल सिस्टम और ब्लैक मनी के सिस्टम के बीच में एक लिंक है, सबसे बड़े लिंक है। कल जो पार्लियामेंट में हुआ, सुषमा जी ने, उधर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने और इधर जेटली जी ने उस नेटवर्क का प्रोटेक्शन किया है, ब्लैक मनी नेटवर्क का प्रोटेक्शन किया है। सुषमा जी उसमें फंस गई हैं क्योंकि उन्होंने उनसे, उनका रिश्ता है ललित मोदी जी का, और वो अपने आप को बचाने के लिए उस नेटवर्क की मदद कर रही है। मैं मोदी जी से कह रहा हूं, ललित मोदी जी से नहीं, नरेंद्र मोदी जी से। अजीब सी बात है कि नाम एक ही है, मगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कह रहा हूं कि युवा दोनों नेटवर्क को आस्ते आस्ते समझ रहा है, उसको दिख रहा है कि क्रिकेट का नेटवर्क है और इसके पीछे कुछ गंदा भी है। प्रधानमंत्री ने बहुत वायदे किए थे, 15 लाख रुपए का वायदा किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वायदा किया था, और दुख की बात है कि वो यहां अंदर नहीं आता। मुझे लगता था, मैं उनसे चुनाव लड़ा, मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए, मगर आदमी में दम है, मुझे ये लगता था। मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है। आदमी में दम क्यों नहीं है? हम जब हम जमीन की बात पे अड़े थे, मुझे लगा था भैया बहुत मुश्किल लड़ाई होगी, यहां पे हमारे 40 लोग हैं, वहां पे 200 से ज्यादा हैं, उनके जो क्रोनी कैपिटल मित्र हैं उनके पीछे खड़े हैं, और ये जो हमारे 40 हमारी जो टीम है और दूसरे पार्टी के लोग हैं वो अड़ गए, और मैंने सोचा मोदी जी में गट्स होगी कि वो इसको पास कर देंगे। जब लड़ाई शुरू हुई और जब प्रेशर बढ़ा, मोदी जी घूम के भागे, रियलिटी है घूम के भागे, एक बार ऑर्डिनेंस लगाई, दूसरी बार ऑर्डिनेंस लगाई, और तीसरी बार लगाऊ ना लगाऊ फेल। अब यहां पे मैं मोदी जी से कह रहा हूं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं आपका विपक्ष का नेता हूं, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ललित मोदी को पकड़ के यहां लाओ और क्रिकेट की सफाई करो, और आपको हिंदुस्तान चांस दे रहा है, आपकी अभी भी क्रेडिबिलिटी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोदी जी में दम नहीं है, काफी लोग सोचते हैं कि मोदी जी में दम है। अगर आपने ललित मोदी को यहां नहीं लाया, अगर आपने इन लोगों को ललित मोदी की डिफेंस करने दी जैसे सुषमा जी ने की, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है क्लियर है, सुषमा जी ने कल बड़े भाषण दिए, बहुत लंबी लंबी बात की, मगर जो हमने दो सवाल पूछे थे उसका जवाब नहीं दिया। सिंपल सवाल था, आपको कितना पैसा मिला, और आपने ये जो चैरिटी वर्क किया है, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया है, ये आपने छुप कर क्यों किया? पूरी दुनिया चैरिटी करती है, खुले मैदान में करती है, आपने प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया? आपने मिनिस्ट्री में किसी को क्यों नहीं बताया? आपने हिंदुस्तान को क्यों नहीं बताया कि मैं ललित मोदी की मदद कर रहा हूं? तो ये बात है, ये हमें समझ आ गई ये बात कि ये प्रधानमंत्री डरता है, और हम अटैक करेंगे इस पे, और इतना प्रेशर डालेंगे प्रधानमंत्री पे कि ललित मोदी वापस आएगा और जो क्रिकेट में हो रहा है वो ठीक उसमें सफाई होगी। धन्यवाद। युवाओं की का भविष्य खत्म हो गया, उनको जेल में डाल दिया, आरएसएस के लोगों ने पूरा का पूरा वहां पे स्कैम किया है, बीजेपी एंड ज्वाइंट टीम आरएसएस बीजेपी के। मेरिट की बात करते हैं, आज मैं स्टूडेंट को ले जा रहा हूं प्रेसिडेंट के पास, वहां पता नहीं उसको चौहान जी में, मतलब उनमें क्या क्या मेरिट दिखाई दे रही, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आई है।
अगर मेरिट दिखाई दे रही है हमें बता दें क्या मेरिट है। तो देश पे ये मीडियोक्रिटी थोप रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं, हम इनको मीडियोक्रिटी देश पे नहीं थोपने देंगे। और मेरे पिता के बारे में जी। मेरे पिता के बारे में ये 30 सालों से ये कर रहे हैं। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज क्लियर राजीव गांधी, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज गिवन अ स्टेटमेंट सेइंग दैट दिस वाज अ कैंपेन अगेंस्ट राजीव गांधी, देयर इज नथिंग इन दिस राइट नाउ। अगेन एंड अगेन दे ब्रिंग इट अप, ब्रिंग इट अप, ब्रिंग इट अप एज मच एज यू वांट, ओके, इट मेक्स मी नो डिफरेंस। आई एम हियर टू डिफेंड द फ्रीडम ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री, आई एम हियर टू डिफेंड दिस कंट्री फ्रॉम द आरएसएस, आई एम हियर टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम मिस्टर नरेंद्र मोदी। लेट मी टेल यू समथिंग, द वे दिस कंट्री इज हेडिंग, ऑल यू पीपल हु हैव कैमरास एंड आर वेरी हैप्पी टू टेक फिल्म्स, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। यू पीपल हैव बीन बैंड, notices have been sent to the three channels. Why? Because you're doing your work. When your work clashes with the views of the RSS, your mouth will be shut. We are protecting you. Remember that.